हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम रिव्यू। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दरोगा का जो कि ओएमआर सीट भर रहे थे, ओएमआर सीट भरते समय एक स्टूडेंट का जो कि गोला भर रहे थे तो गलत हो गया था और उसको ब्लेड से रगड़ करके साफ करके जो कि सही रोल नंबर है उसको भरे हैं। तो उनका ये कन्फ्यूजन है कि क्या कॉपी जाँच होगा कि नहीं होगा, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि उनका कॉपी जाँच होने का 90% चांसेज है। कैसे जाँच होगा वो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, आप इसको जानिए। और आपको डिस्प्ले पर एक पिक्चर भी दिखा दें कैसे जांच होता है कॉपी। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि पहले आपको एक एग्जांपल के रूप में दे दें कि जैसे फोटोकॉपी का जो फोटोकॉपी करवाते हैं आप जा करके, तो पहले स्कैन होता है, सॉफ्टवेयर स्कैन करके रख लेता है उसको, फिर क्या करता है उसको फिर प्रिंट करता है मशीन, तो जो कि रियल प्रिंटिंग आता है। तो ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आप ये भी समझ दें कॉपी भी उसी तरह से चेक होता है। एक तरफ से कॉपी को डाला जाता है और पहले स्कैन होता है, स्कैन होकर के कॉपी बाहर निकल जाता है। जो स्कैन होता है वो सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है, वो जो होता है कि रियल जिसका सॉफ्टवेयर होता है जो आंसर की होता है उससे मैच होता है। तो आप जो गोला रंगे हैं मशीन वही मतलब कि स्कैन करेगा, जो आप गोला रंगे हैं सिर्फ मशीन का यही काम होता है, जो कलर होता है उसी को स्कैन करता है। तो आपका जो गोला आप रंगे हैं मतलब रगड़ करके साफ कर दिए और फिर रंगे हैं, जो आपका रियल में बाद में रंगे वो स्कैन होगा और आपका कॉपी जरूर चेक हुआ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो दरोगा का ओएमआर सीट भर रहे थे, स्टूडेंट का प्रॉब्लम था। एक स्टूडेंट का मैंने बोले थे कि बहुत कंफ्यूजन थे, उनको डिटेल में वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। तो आपको हमको लगता है कि इतना में आपको इन्फॉर्मेशन हो गया होगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, इसी तरह से अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी भी तरह कमेंट में अपना परेशानी को डाल सकते हैं, उसको सोल्यूशन करके आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। जैसा कि कमेंट में स्टूडेंट का एक है वीडियो, तो उसको बनाएंगे। बहुत सारे कमेंट में है, वो बोल रहे हैं, एक और बोल रहे थे कि क्या जो कि मेरा हाइट जो है सो 154 है, 155 खोजता है आसपास में, 1 सेंटीमीटर उनका कम है हाइट, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो भी पूछ रहे थे कि उसका जो कि हाइट है कुछ बढ़ाने का टेक्निक है, तो आपको बता दें कि एक टेक्निक है। अगर आप कमेंट में कमेंट बहुत लगभग 100 कमेंट के आसपास होगा तब जाकर के वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है जिससे आप जाकर के फिजिकल में अपना हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कमेंट में जरूर बताइए। न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आपको एक अनुरोध करते हैं कि जब भी वीडियो पर आते हैं देखने के लिए तो पूरा वीडियो देखिए, इसमें एक इन्फॉर्मेशन नहीं एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा। और ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह का एग्जाम में धांधली होता है, पेपर लीक होता है, या किसी भी तरह का स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं तो पेपर से रिलेटेड किसी भी तरह का धांधली या लीक होता है, तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आप सबसे ये भी अनुरोध करते हैं कि चैनल को आप थोड़ा बढ़ाइए, आपके लिए ही आवाज़ हम उठा रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे। और किसी भी तरह का धांधली होगा, अगर पेपर लीक होगा तो उस पेपर को अगर लीक होता है आधा घंटा पहले भी आता है, आप सबसे वादा करते हैं कि उस क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर जरूर लाएंगे, कमेंट में जरूर लाएंगे, जिससे सरकार को प्रूफ देने का मतलब एक जरिया मिल जाए कि पेपर लीक हुआ है और आधा घंटा पहले हुआ है। ये जो ऑप्शन है हमारे पास YouTube में कमेंट में लिखने का, अगर कमेंट में ऑप्शन में कोई भी लिख देगा क्वेश्चन तो वो एकदम प्रूफ हो जाएगा कि क्वेश्चन लीक हुआ है, आधा घंटा पहले आए क्वेश्चन लीक हुआ, तो वो उस पर हम लोग आवाज़ उठा करके दबा मतलब अपना जो है सो दावेदारी कर करके एग्जाम को कैंसिल कराने का बहुत कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट एक और जो कि स्टूडेंट का ही एक कंफ्यूजन था कि वो बोल रहे थे कमेंट में कि क्या एग्जाम जो होगा मेंस होगा सेकंड वाला दरोगा का, उसमें करेंट अफेयर पूछेगा कि नहीं पूछेगा, उनका ये कंफ्यूजन है। तो उनके बारे में ये बताना चाहते हैं कि एग्जाम को पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में जैसे कि सिलेबस के अनुसार से करेंट अफेयर जो कि टोटल है सब कुछ आता है, लेकिन अभी देखे होंगे करेंट अफेयर बहुत कम पूछा था पीटी में भी, तो मेंस में हो सकता है कम भी पूछे। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि एग्जाम से पहले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो आपसे ये अनुरोध है कि करेंट अफेयर भी पढ़ें और टोटल सिलेबस है वो भी पढ़ें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ये मत सोचिए कि करेंट अफेयर नहीं मतलब पूछता है तो हम नहीं पढ़ें। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हॉल जो कि सिलेबस है सारा सिलेबस पढ़ना होगा और आपको फुल तैयारी करना होगा, तब जाकर के आप सिलेक्शन लीजिएगा। पीटी में तो निकाल लीजिए करंट अफेयर, नहीं तो मेंस में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा इसका पहले प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। तो आप तैयारी फुल कीजिए और फिजिकल के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जो कि आजकल का जॉब है वो एक थिंकिंग से नहीं हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि अभी दरोगा में देख रहे हैं
कि पीटी हुआ, फिर मेंस होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आपको अगर जॉब लेना है तो आप तैयारी करते रहिए। आप ये मत पूछिए कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, अगर ये करेंट अफेयर नहीं पूछेगा तो हम करेंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़िएगा तो आप ही के लिए फायदा है, क्योंकि समय बहुत अनमोल होता है। समय आपका निकल जाएगा तो आप सोच नहीं पाइएगा कि आगे फिर क्या करना है। तो आप सबसे अनुरोध है तैयारी अच्छे कीजिए, पूरा सिलेबस पढ़िए। और एक बार और फिर बोलना चाहते हैं कि इस जो संगठन हम बना रहे हैं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड ही हमेशा होगा, इस चैनल का नाम ही है एग्जाम रिव्यू। तो हमेशा जो है कि एग्जाम से रिलेटेड, चाहे तो इंडिया बिहार लेवल का एग्जाम हो, या तो कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, या पूरा इंडिया लेवल का एग्जाम हो, सेंट्रल हो, तो आपको वीडियो मिलेगा। किसी भी तरह का एग्जाम होगा या धांधली होगा उसका खुलासा जरूर करेंगे। और एक और अपडेट आपको लास्ट में ये करना चाहते हैं कि रेलवे का वैकेंसी कब आएगा और नहीं आएगा, इसके बारे में है। तो आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट में अपना राय दीजिए कि इसके बारे में वीडियो बनाए या नहीं बनाए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक ये सारा इन्फॉर्मेशन चला जाए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।